वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बाबू ऑलराउंडर पर। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। 2020 का जो इंटरव्यू है वो 1 जुलाई तक जो है लिए गए थे। इसमें जो है मेरा सिलेक्शन एसडीओ पीएचई डिपार्टमेंट में हुआ है। मेरी जो कैटेगरी है उसमें सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हुआ है, और वहीं मेरे जो इंटरव्यू मार्क्स थे वो 35 है आउट ऑफ 50। एक्सपीरियंस किस प्रकार से रहा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको लेके आप सभी मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको एक वीडियो में बता देता हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस प्रकार से उनको मैंने डिलीवर किया था, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और पहले तो मैं बता देता हूँ, जो डॉक्यूमेंटेशन, जब जैसे ही आप इंदौर जाएंगे लोक सेवा आयोग, वहाँ पर आपको वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए बोला जाएगा, और वहीं फिर धीरे धीरे आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वहाँ वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट पर आपसे जो है लिखवा लिया जाएगा कि उक्त दस्तावेज सहायक यंत्री सिविल 2020 के पद हेतु प्रस्तुत है। नीचे आपको साइन करना है और सेल्फ अटेस्टेड लिख देना। इस प्रकार से प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। आप इसे चाहें तो घर से भी कर सकते हैं, घर से करके ले जा सकते हैं। आप जैसे यदि आपका इंटरव्यू दूसरे तीसरे दिन रहेगा या बाद के दिनों में, तो लोग आपको बता देंगे, और उस प्रकार से आप ये लाइन भी लिख सकते हैं या पहले से लिख सकते हैं। मैं पहले से ही लिख के ले गया था क्योंकि मुझे 2017 में पता था, ठीक। तो 2017 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2016 में मेंस मैंने दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन ना ही इंटरव्यू के लिए हुआ था। तो 17 में इंटरव्यू के लिए हुआ था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था, वहीं 20 में जो है सिलेक्शन हुआ है पीएचई डिपार्टमेंट, ठीक। ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। मैं ड्रेसिंग के बारे में लेके काफ़ी कॉन्सर्न था, इसको लेके मेरे को काफ़ी टाइम लगा, ठीक। तो ड्रेसिंग मैंने इसके लिए 3-3 शर्ट भी सिलवा रखी थी, लेकिन मैंने जो फाइनल सिलेक्ट की फिर ये नेवी स्काई ब्लू और ब्लैक पैंट, ब्लैक बेल्ट, ब्लू टाई और ये ब्लैक शूज लेस वाले, ठीक है। और 2021 की मेरी जो ड्रेसिंग सेंस है वो लाइट ब्लू शर्ट, ब्लू पैंट, ब्लैक जो है शूज़ और ब्लू टाई रही थी, और 2021 के जो इंटरव्यू है उसमें भी यही रहने वाली। तो क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ, पैनल किस प्रकार का था। तो पैनल जो भी आपको ABCD करके पैनल रहेंगे वहाँ पर आपको वेट कराने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद रिंग बजती है तो आप एंटर करते हैं। एंटर जैसे ही करेंगे तो आपको बोलना है मैं आई कमिंस, या सभी को बोल देना है, ठीक है। यदि मैम वगैरह हैं तो उनको अलग से विश कर देना है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, वो आपको अंदर आने के लिए बोलेंगे। इसके पश्चात आपको चेयर के पास जाकर खड़े हो जाना है, ठीक है। चेयर के पास जैसे ही आप खड़े रहेंगे तो वो आपको बैठने के लिए बोलेंगे, आपको स्वयं से नहीं बैठना है, ठीक है, जब तक वो ना कहें, ठीक है। फिर वो बैठने के लिए कहेंगे तो आपको थैंक यू बोलना है और बैठ जाना है। तो पैनल, इस बार का जो पैनल था वो 4 मेंबर रहे थे। बीच में जो नॉन टेक्निकल पर्सन थे, और साइड में एक साइड में जो थे टेक्निकल थे, और यहाँ पर दोनों टेक्निकल पर्सन रहे थे, ठीक है। जो भी प्रोफेसर रिटायर्ड इंजीनियर वगैरह होते हैं उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चन पूछे थे। तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन से मेरी शुरुआत हुई थी। नॉन टेक्निकल क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको मैं बता देता हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन था वो नॉन टेक्निकल था, और जो पूछा गया था आपके नाम, आपके नाम का क्या मतलब है। तो मेरा जो नाम है वो श्री कृष्ण से रिलेटेड था, और जो मेरा सरनेम है वो एक महान संत रविदास जी से रिलेटेड था। तो दोनों का उन्होंने मुझसे मतलब पूछा, क्या क्या इनके रोल रहे हैं सोशल में, और जो समाज में उन्होंने किस प्रकार से परिवर्तन किए हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन मुझसे पूछा था। मैंने उनको अपने जो है दोनों क्वेश्चन बताए थे, नेम और सरनेम, तो काफ़ी खुश हुए थे, ठीक है। वहीं मुझसे फिर क्वेश्चन पूछे गए थे, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन थे कि आप अपने मन से क्वेश्चन बता, मतलब वो खबर बताइए, मतलब न्यूज़ में क्या क्या चल रहा है इससे रिलेटेड जीएस था, मतलब जनरल अवेयरनेस आपको होना चाहिए। मुझसे पूछे गए थे 4 क्वेश्चन इस प्रकार से, आप अपने मन से बताइए कि राजनीतिक, सामाजिक और इंटरनेशनल, और एक अपने मन से बता दीजिए। तो 4 प्रकार की खबर आपको बतानी है। तो मैंने उसमें से राजनीतिक में बताया था कि जो सत्ता पलट हुई थी
एकनाथ शिंदे द्वारा जो रिवेल कर दिया गया था शिवसेना से, वो मैंने डिटेल में उनको बताया, ठीक। इसके बाद मैंने बताया राजस्थान में जो कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई थी, तो वो सामाजिक एस्पेक्ट में बता दिया था। वहीं मैंने इंटरनेशनल में यूक्रेन रसिया वार को डिस्क्राइब किया। इसके पश्चात एक अपने मन से जो खबर मुझे बतानी थी वो बतानी थी मुझे एमपी में जो रणजी विजेता रहा है उसके बारे में। तो रणजी के बारे में जो कोच रहे थे उनके बारे में बताया, कौन कैप्टन था उसके बारे में डिटेल बताया। तो ये क्वेश्चन मेरा नॉन टेक करा। इसके पश्चात उन्होंने मुझसे पूछा अभी राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो कौन है। तो मैंने बताया द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वहाँ से प्रस्तावित की गई हैं उनकी तरफ से। और फिर उन्होंने पूछा वो किस कम्युनिटी से हैं, एसटी में भी संथाल कम्युनिटी से हैं। तो बस यहाँ तक इसका क्वेश्चन। फिर उन्होंने मुझसे पूछा अग्निपथ योजना, इसको लेके उन्होंने मुझसे काफ़ी क्वेश्चन किए, टफ क्वेश्चन किए। अग्निपथ पहले तो उन्होंने मुझसे बताया, मुझसे पूछा कि अग्निपथ योजना को आप बताइए क्या है। फिर उन्होंने पूछ के इसके क्या क्या बेनिफिट हैं और जो भी बेनिफिट जैसे कि ये विशेषताएँ हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है डिटेल में। उन्होंने मैंने उनको पहले शॉर्ट में बताया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा नहीं नहीं ऐसा नहीं आप डिटेल में बताइए एक एक चीज़। तो मैंने उनको पूरा बताया बीमा किस प्रकार से कवर होगा, आफ्टर सर्विस क्या क्या इन बेनिफिट रहेंगे। फिर उन्होंने मुझसे एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इसी के ऊपर पूछा, यदि आपकी जो एसडीओ की परीक्षा है उसको भी अग्निवीर की तरह 4 साल का कर दिया जाए तो आप आपके लिए अच्छा होगा या नहीं। तो इस पर मेरा जो फेवर था मैंने फेवर किया कि हाँ बिल्कुल अच्छा है निर्णय। और तो इसको लेके वो मुझे बोल रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता आप गलत बोल रहे हैं। और फिर ऐसा चल के थोड़ा डिस्कशन बंद हो गया और क्वेश्चन टेक्निकल की ओर चले गए, ठीक। तो इसको यहाँ तक तो टेक्निकल क्वेश्चन किस प्रकार से थे, तो जो लेफ्ट में जो सर बैठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा कि आप कहाँ जॉब करते हैं, ठीक है। इसी बीच क्या हुआ नॉन टेक्निकल जो सर थे वो भी सीवी पढ़ रहे थे, जो डीए फॉर्म है उसको उन्होंने पढ़ा, उन्होंने डिटेल में देखा अच्छा ये पहले भी जॉब में थे, फिर उन्होंने जॉब पर शिफ्ट हो गया पीडब्ल्यूडी। और इसी बीच उन्होंने इंटरप्ट करते हुए पूछा आपकी सभी में डिस्टिंक्ट आई हुई थी कि आप कहीं और भी तैयारी कर रहे हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की। तो मैंने उनको ये भी बताया हाँ सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी भी कर रहा हूँ और 19 जून को मैंने पेपर भी दिया है। तो मैंने उनको सही सही बता दिया पूरा। और फिर टेक्निकल की ओर शिफ्ट होके क्वेश्चन आया पीडब्ल्यूडी के, तो आप पीडब्ल्यूडी में कब से काम कर रहे हैं, किस पोस्ट में सब इंजीनियर, और सब इंजीनियर से पहले जो पोस्ट थी उसकी डिटेल भी मैंने दी रखी थी। तो उसका उन्होंने थोड़ा पूछा कि कहाँ पर पोस्टेड थे, तो मैंने उसकी जानकारी दे दी। फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा सीवीआर के बारे में, सीवीआर टेस्ट, सीवीआर की लिमिट है ना, और यदि जो सीवीआर पर्टिकुलर 7% से कम है 2% से कम है तो किस प्रकार का रोड आपको प्रोवाइड करना है, वो क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। सीवीआर के पश्चात उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू रोड, रोड में उन्होंने पूछा था कैम्बर कितने प्रकार के हैं और कैम्बर की जो लिमिट है वो पूछ लिया था उन्होंने, आईआरसी के अनुसार जो कैम्बर है वो मुझसे पूछ लिया था, ठीक है। जिसमें से मैं ना कन्फ्यूज हो गया था और मैं बिटुमिन का जो कैम्बर था वो कॉन्क्रीट वाले को बता दिया था, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, ठीक है। उस पर उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया, वो आगे बढ़ गए, ठीक। तो कैम्बर का मैंने बता दिया, रोड सेक्शन का उन्होंने पूछा कि रोड के कौन कौन से सेक्शन होते हैं, सब ग्रेड, सब बेस, बेस सरफेस कोर्स, टैक कोर्ट, इस प्रकार से उन्होंने पूरी लेयर का पूछा। और उन्होंने मुझसे डीमोरलाइज करने के लिए ये भी कह दिया अरे यार आप 4 साल से काम कर रहे हो आपको ग्रेडिंग नहीं पता है। तो इसको लेकर थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पर डाउन हो गया था। और फिर जो है वो सर ने अपने क्वेश्चन नेक्स्ट सर पर शिफ्ट कर दिए थे, तो राइट साइड में 2 सर बैठे हुए थे टेक्निकल, उन्होंने क्वेश्चन पूछे सिंपल वेंडिंग क्या होती है। तो सिंपल वेंडिंग का जो मैंने इस प्रकार से बता दिया था कि जब आप मोमेंट अप्लाई करते हैं बीम के एंड पर तो जिस प्रकार से जो बीम बिहेव करता है उसका पूरा बता दिया था। और उन्होंने फिर मुझसे सिंपल वेंडिंग में थोड़ा सा मैं उलझ गया था, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं आप वो
आपने टफ की तैयारी कर ली होती लेकिन सिंपल क्वेश्चन आपसे नहीं बनते, तो इसको लेके मैं कंफ्यूज हो गया था। तो फिर मैंने कहा सॉरी सर, फिर उन्होंने मुझसे फिर जो चौथे पर्सन थे उन्होंने अपना क्वेश्चन इसी पर से पूछा कि आप ये बताइए बेंडिंग सिंपल बेंडिंग का फॉर्मूला। तो मैंने ये फार्मूला बता दिया था उन्हें, एम अपॉन आई एफ वाई वाई ई वाई आर। इसके पश्चात उन्होंने पूरे टर्म पूछ लिए थे, क्या क्या टर्म होते हैं वो मैंने बता दिए थे। फिर इसके पश्चात जो पहले वाले सर थे टेक्निकल, उन्होंने मुझसे पूछा रिलेटेड टू पैच, तो उन्होंने रोड के जो पैचिंग होती है वो किस प्रकार से करते हैं, तो इसको लेके मैंने बता दिया था कि पैच जो है किस प्रकार से स्क्वायर शेप में बनाए जाते हैं, फिर उनमें मटेरियल फिल किया जाता है, वो ओजीपीसी सील कोट कर दिया जाता है, प्रॉपर कंपैक्टिंग की जाती है, तो पूरी प्रक्रिया उनको बता दी थी। फिर इसके पश्चात वो और जो है सीव एनालिसिस वगैरह पूछने लगे थे, और वो मैंने बताया, उसमें थोड़ी सी गलती भी हो गई थी मुझसे क्योंकि नंबर ऑफ सीव हैं वो पूरी याद नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर जो एक्सट्रीम राइट वाले सर थे उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिससे पूरा माहौल है ना कॉमेडी हो गया, मतलब पूरा जो है एकदम खुशनुमा माहौल हो गया था। उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा ये बताओ कि ये जो पेच हैं वो स्क्वायर ही क्यों बनाते हैं, गोल क्यों नहीं बनाते हैं? तो मैंने अपने नॉलेज से आंसर दिया कि सर इसमें क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पर स्ट्रेस वगैरह का कॉन्सेप्ट मैं बताने लगा था इंजीनियरिंग वाला, जबकि वो एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन ये था कि गोल में क्या होता है जो मेज़रमेंट है वो करने में काफ़ी दिक्कत होती है, इस कारण से क्या करते हैं स्क्वायर या रेक्टेंगल पेच बनाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा हंसने लगे चारों मेंबर, और फिर लास्ट में उन्होंने कहा ठीक है थैंक यू आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा, मैंने सभी को ग्रीट किया थैंक यू, और फिर मैंने जो डोर है पुल करके बाहर। तो इस प्रकार से मेरा जो इंटरव्यू है हार्डली बिल्कुल 20 से 25 मिनट तक ही चला था, और एंडिंग में जो थे कैंडिडेट थे तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे रहे थे। तो ओवरऑल इंटरव्यू मैं सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि दो तीन जो क्वेश्चन थे पर्टिकुलर मैंने मिस कर दिए थे, उनके आंसर मेरे से नहीं बने थे। ठीक है, एज ए जॉब होते हुए मुझे थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लगा मैं। तो आप इसकी प्रकार की तैयारी कर लीजिए, यदि आप किसी जॉब में हैं तो उसको पूरा प्रिपेयर करिए ताकि किसी प्रकार के सवाल हों वो आपसे बन जाएँ। यदि आप एम टेक हैं तो थीसिस को बिल्कुल कर लीजिए क्योंकि एम टेक वालों से बिल्कुल बाल की खाल वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो भी उनकी ब्रांच होती है। ठीक है, वहीं प्राइवेट जॉब वाले हैं तो अच्छी बात है, वो भी अपनी जॉब को मेंशन करिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिए, एनओसी वगैरह साइन करा लीजिए, उसको अटैच करा लीजिए। एनओसी नहीं है तो आप जो इंसीमेशन लेटर करते हैं जो सूचना देते हैं उसको भी आप अटैच कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरी जो है एक एक क्वेश्चन पता चल गया होगा मेरे इंटरव्यू से रिलेटेड। तो आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।